सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरबक वर्ल्ड हिंदी को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरबक वर्ल्ड हिंदी में। तो भस्म रसायन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसको किस तरीके से बनाएं, तो इसका ये प्रैक्टिकल प्रोसेस वीडियो है। सेंधा नमक भस्म रसायन, इसी प्रकार से 5 भस्म रसायन हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एक मित्र हैं अनिरुद्ध कुमार जी, और उन्होंने ही ये भस्म रसायन बनाया है, तो उनका धन्यवाद। तो चलिए इसको कैसे बनाना है। 200 ग्राम सेंधा नमक को 10 किलो गाय के गोबर में मिलाकर मटके में एयरटाइट बंद करके रख दें और 45 दिनों के बाद 1 किलो को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से मैग्नीशियम की कमी दूर होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आगे हमने सभी प्रकार के भस्म रसायन के बारे में आगे वीडियो में बताया, तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करना। और तो दोस्तों गंधक भस्म रसायन को भी सेम उसी प्रकार से बनाना है। 200 ग्राम गंधक को 10 किलो गाय के गोबर में मिला करके एयरटाइट पैक करके रख दें 45 दिनों तक और 1 किलो को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से सल्फर की कमी दूर होती है। माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये सारे माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए काम करेंगे। 5 प्रकार के भस्म रसायन बनाए जाते हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो दोस्तों इसी प्रकार नीला तोता भस्म रसायन, 200 ग्राम नीला तोता को ले करके आपको 10 किलो गाय के गोबर में अच्छे से मिला करके सेम टू सेम उसी प्रकार अच्छे से मिक्स कर लें और उसको मिक्स करने के बाद आप एयरटाइट पैक कर दें और 45 दिनों के बाद ये भी तैयार हो जाएगा और इसको भी आप 1 किलो को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कॉपर तांबा जो होता है उसकी कमी दूर होती है। ये भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए काम करेगा आपका। अग्निहोत्र भस्म रसायन, अग्निहोत्र के बारे में हमने कई सारी वीडियो डाली है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। या आप हवन की जो राख होती है उसको भी आप ले सकते हैं, मगर उसमें गोबर का प्रयोग होना चाहिए। वो राख को आप लेकर के 102 किलो भस्म को लेकर के 10 किलो गाय के गोबर में मिलाकर एयरटाइट पैक कर दें और यह भुरभुरा पाउडर की तरह निकलेगा। इसे भी आप 1 किलो को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. इसके बाद है दोस्तों सुहागा भस्म रसायन, 200 ग्राम सुहागा को गर्म तवे में फोड़ लें। तो फोड़ने के बाद इसको क्या करना है, आपको 10 किलो गाय के गोबर में मिलाकर मटके में एयरटाइट पैक कर दें 45 दिनों के बाद। इसे भी आपको 1 किलो
को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहें तो सभी को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसमें आपके सारी माइक्रो न्यूट्रेंट पौधे को मिल जाएंगे। इसके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और काफ़ी मेहनत लगी हमको ये वीडियो बनाने में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, बने रहे हमारे साथ इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद। हमारे 53,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सपोर्ट ज़रूर करें हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। Till I get up, time is barely on our side.